हेलो गाइस, वेलकम टू टेक्टोरियल। टेक्टोरियल में सबका स्वागत है गाइस। आज बात करने वाले हैं व्हाट्सएप में एक फीचर्स के बारे में, जिसके लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ कि आपको कैसे पता चलेगा व्हाट्सएप हैक हुआ है कि नहीं। उनमें आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया, बहुत ज़्यादा प्यार दिया, लेकिन गाइस अभी सवाल निकल के ये आता है कि बहुत लोगों ये कमेंट करते हैं कि ये वाला ऑप्शन अभी कहाँ है। मतलब अभी अगर मैं 3 डॉट पर जाता हूँ गाइस, तो यहाँ पर जो ऑप्शन है व्हाट्सएप वेब नाम का, वो फीचर्स अभी नहीं है। जी हाँ गाइस, व्हाट्सएप वेब वाला फीचर्स नहीं है। तो वो फीचर्स आखिर कहाँ गया, उसके बारे में आज बात करने वाले हैं। और आप कैसे जो कि है चेक करेंगे कि आपका व्हाट्सएप किसी और डिवाइस में कनेक्टेड है कि नहीं। तो यहाँ पर गाइस बात करें अगर व्हाट्सएप वेब के बारे में, तो वो अभी नहीं है। व्हाट्सएप अपडेट हो जाने के बाद व्हाट्सएप वेब वाला जो फीचर्स है उसका नाम बदल के वो लिंक डिवाइस हो चुका है। अगर आप 3 डॉट पे जाते हैं तो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है न्यू ग्रुप, न्यू ब्रॉडकास्ट, लिंक डिवाइस, स्टार्टेड मैसेज, पेमेंट्स वगैरह वगैरह। तो यहाँ पर गाइस जो लिंक डिवाइस है वो ये है व्हाट्सएप वेब, जो आपको व्हाट्सएप वेब के नाम से जाना जाता है। वहाँ पर टैप करने के बाद आपको जो फीचर देखने को मिलता है वो हूबहू व्हाट्सएप वेब जैसा ही है। तो यहाँ पर आप इस चीज़ों को इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी कैसे पता चलेगा कि मेरा डिवाइस किसी और डिवाइस में लॉगिन है कि नहीं है, तो यहाँ पर देखिए, मैं जब भी 3 डॉट पर जाके लिंक डिवाइस पर जाता हूँ तो यहाँ पर ऑप्शन दिखा रहा बटन है। और नीचे देखिए डिवाइस स्टेटस गूगल क्रोम विंडोज़, जहाँ पर आज शाम के 6:24 को लॉगिन हुआ है। साथ ही साथ आज ही 4 बजे दूसरे किसी क्रोम में भी लॉगिन था। ये दो मैंने अपने दो अलग अलग कंप्यूटर में लॉगिन किया था, इसलिए दिखा रहा है। अगर मैं चाहता हूँ कि नहीं किसी एक डिवाइस से इसको लॉग आउट करना चाहता हूँ, तो मैं इसको सिंपली टैप करूँगा और लॉग आउट करूँगा। अगर यहाँ पर आपका ऑप्शन में किसी भी तरीके से नॉर्मली व्हाट्सएप का दिखाता है कि डिवाइस स्टेटस पे कि कोई भी एक डिवाइस अगर यहाँ पर दिखाता है, तो इसका मतलब आपका जो व्हाट्सएप है वो किसी दूसरे डिवाइस से लॉगिन है और दूसरा बंदा आपके व्हाट्सएप को आसानी से पढ़ सकता है। आप किससे मैसेज करते हैं, क्या मैसेज आपके पास आता है, सब वो वहाँ से पढ़ सकते हैं। तो आप यहाँ पर इसको लॉग आउट कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि आपने कहीं पर लॉगिन नहीं की। और अगर आप खुद से लॉगिन करना चाहते हैं तो लिंक का डिवाइस पर जाने के बाद आप यहाँ पर अपना पास जो कि डिवाइस का पासवर्ड, उसके बाद यहाँ पर जो ऑप्शन होता है गाइस, यहाँ पर आप उसको स्कैन कर सकते हैं, जो कि व्हाट्सएप वेब वाला ही फीचर्स है, और आप उस डिवाइस में अपना ये फीचर्स इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो लिंक का डिवाइस है गाइस यही है व्हाट्सएप वेब, जो मैं आपको बता दिया। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो से रिलेटेड आपको कुछ नया जानकारी मिला है। वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल में नए चैनल सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ। मैं मिलता हूं नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। गुड बाय।